आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो अखिलेश हैं वो ही भाजपा की बी टीम है। बी टीम है, इसका रूप है भैया। देखो कल ही फोटो आया है, जेपी नड्डा जी को फोटो दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे के आदमी को गुलाम बना दिया, बेरोजगार बना दिया, ना पढ़ने का रहा ना लिखने का रहा, सड़कें नाप रहा है 5 किलो राशन लेके। मानिया बहन जी ना तो किसी भारतीय जनता पार्टी के ना जन्मदिन में जाती हैं। आज की तारीख में समाजवादी के साथ कोई मुसलमान नहीं खड़ा है, सब समाज बहुजन समाज के साथ खड़े। बहन जी ने मुसलमानों को टिकट भी दिए, प्रत्याशी भी दिया, अपना वोट भी दिया, प्लस हमारा मुस्लिम वोट है, हम सरकार को बदल देंगे। साथियों कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो यहाँ रैली में आए हुए हैं, और बड़ी रैली यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आयोजित की गई। आकाश आनंद आने वाले हैं, तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हम इस मुद्दे पे आए हैं कि बहन जी ने जो काम किया है पार्टी के लिए, पार्टी के हित में, बहन जी ने मुसलमानों को टिकट भी दिए, प्रत्याशी भी दिया, अपना वोट भी दिया, प्लस हमारा मुस्लिम वोट है, हम सरकार को बदल देंगे। आप मुस्लिम समाज से आते हैं? मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन मुस्लिम तो कहे जाता है कि समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, अखिलेश को वोट करते हैं। ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी को तो ज्यादातर तो वोट जाता है ना, ये तो मान रहे। समाजवादी में जब वोट किया गया, लेकिन आज की तारीख में समाजवादी के साथ कोई मुसलमान नहीं खड़ा है, सब समाज बहुजन समाज के साथ खड़े। सपा तो कह रही है हम बहुत टिकट देते हैं, एक भी टिकट हो तो बताएं, आप ही बता दें हमें। इस बार नहीं दिए हैं, इस बार नहीं दिए हैं, लेकिन पहले उनका दावा रहता है। पहले दावा जब था, आज की तारीख में देखा है आप, सन 2024 में क्या हो रहा है। 3 टिकट ही दिए, इसी तारीख में देखो, बहुजन समाज मायावती बहन जी इस देश में प्रधानमंत्री बनने जा रही है और बनेंगी, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। अखिलेश जी एक बात और कहते हैं कि बहन जी जो है वो भाजपा के लिए काम कर रही है, इसलिए मुसलमान को उन्हें वोट देना चाहिए। जब मुसलमानों ने 125 विधायक दिए, एक दिन भी धरना प्रदर्शन करने आए किसी सड़क पे वो बोले हुए बताए हमें? बिल्कुल नाराजी की बात है ये। एक बात और आ रही है कि भाजपा ने गरीबों के लिए बहुत काम करा, लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दिया और शौचालय दिया और ये जो चीजें कह रही है भाजपा, तो भाजपा से लोग कह रहे हैं भाजपा से क्या दिक्कत? 5 किलो राशन दे के आदमी को गुलाम बना दिया, बेरोजगार बना दिया, ना पढ़ने का रहा ना लिखने का रहा, सड़कें नाप रहा है 5 किलो राशन लेके। अगर 200 रुपए पैदा कर रहा है कोई भी मजदूर और वो लाइन में लगा जाए 5 किलो राशन के लिए, 5 किलो राशन के लिए 200 रुपए आमदनी गई उसकी जो 200 रुपए मजदूरी कर रहा था। आप लोग क्या चाहते हैं, 5 किलो राशन ना हो तो क्या दे सरकार, क्या चाहते हैं? सरकार कोई भी सत्ता में आए, सरकार सत्ता में कोई भी आए, राशन बंद नहीं कर सकती, हर गरीब को राशन मिलेगा। बीजेपी राशन नहीं दे रही है, एक जमाने से हम देख रहे हैं कांग्रेस ने चलाया राशन। और क्या चीजें जो आप चाहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए? भाई पढ़ाई होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई मिलना चाहिए, जो बच्चों के लिए बीमा मिलता था जिसे बोलते हैं 20,000 10,000 जो भी आता था, वो आज की तारीख में आप उठा के देखा कहीं आ रहा है? कुछ नहीं मिल रहा किसी बच्चे को। मुस्लिम इस बार बसपा को वोट देगा? बिल्कुल, उनने ठान ली है कि दलित और मुस्लिम इस सरकार को बदलने का काम करेगा। कहाँ रोजगार है भैया, डिग्री ले घूम रहे हैं सभी, जो युवा साथी हैं सब बेरोजगार हैं। आज पूरे देश के अंदर तीसरा व्यक्ति जो ग्रेजुएशन करा हुआ है वो बेरोजगार है, और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ योजनाएं कागजों में तो दिखाई देती है, लेकिन जमीन स्तर पर दिखाई नहीं देती है। आपने एक चिप्स का पैकेट देखा होगा खोखे पर जो बिकता है, उसको जब हम 10 रुपए में खरीदते हैं लगता है पता ना कितना माल होगा उसके अंदर, जब हम उसको खरीदने के बाद उसको फाड़ते हैं तो थोड़ा सा चिप्स निकलता है भैया। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो कागजों में और विज्ञापन में तो दिखाई देंगी, लेकिन धरातल पर आपको दिखाई नहीं देगा। याद करो बहुत दिन माननीय बहन जी की जब सरकार थी इस प्रदेश के अंदर 28,000 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल खोले गए थे, 6 विश्व क्लास की यूनिवर्सिटियां खोली गई थी, और नोएडा से लेकर नखलऊ तक महापुरुषों के मूवमेंट में स्मारक बनाने काम किया गया था, और जो हमारे एससी ओबीसी दलित मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं आईएएस पीसीएस कोचिंग करते हैं वो महात्मा सॉरी छत्रपति साहू जी महाराज कोचिंग सेंटर कानपुर में खोला गया था, और उसी के अंतर्गत एक हापुड़ में भी खोला गया, जिससे अभी कुछ समय पहले 67 बच्चे पीसीएस का
रिजल्ट पास करके आए हैं। रोजगार इस सरकार में नहीं मिला क्या? इस सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला। रोजगार मिला है, लेकिन किन लोगों को रोजगार मिला है? जो इस देश के पूंजीपति लोग हैं उनको रोजगार मिला है, उनके बच्चों को रोजगार मिला है। आज इस देश के दलित पिछड़े समाज के बच्चे सिर्फ क्या है, झुंझुना बजा रहे हैं। उनको ना तो शिक्षा में उतना स्तर मिला है, आज उनके शिक्षा के नाम पर भी जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो लूटने का काम कर रहे हैं। शिक्षा एक तरफ इतनी महंगी कर दी गई है कि उन्होंने इस देश के दलित शोषित वंचित समाज को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रखने का जो काम किया है। लेकिन जब माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो इस देश के हर समाज के तबके बच्चे को वो शिक्षा मिलेगी, क्योंकि शिक्षा से ही इस समाज का भला होने वाला है। और आज आप जिधर से उधर नजर उठा के देखोगे तो पूरा मंडल नीला नीला हो चुका है, और यहाँ पर सब समाज के लोगों ने एक संकल्प ले लिया है कि आने वाले समय में इस देश की माननीय प्रधानमंत्री पहली दलित महिला होंगी। लेकिन सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहन जी जो है भाजपा के लिए काम कर रही हैं, इसलिए मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाती हैं ताकि भाजपा जीत जाए, तो इस आरोप पे आपका क्या कहना है? ये आरोप निराधार झूठ है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बीएसपी से जब दलित मुस्लिम समीकरण बन जाता है और जब मुस्लिम समाज को लगता है कि हमारा साथ कोई नहीं दे सकता, इस देश के अंदर सिर्फ दलित समाज दे सकता है, दलित समाज को लगता है कि हमारा साथ कोई नहीं दे सकता, मुस्लिम समाज हमारा दे सकता है, जब हम दो लोग भाईचारा बनाने का काम करते हैं तो समाजवादी सोचती है कि हमारा जो बेस बोर्ड है वो तो आज बीजेपी में जा चुका है, तो इन मुसलमानों को हम लोग कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने का काम करें जिससे कि ये लोग समाजवादी पर चिपके रहें, बहुजन समाज पार्टी पर नहीं जाएं। और जब बहुजन समाज पार्टी पर चले जाएंगे, चाहे देश की कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, सबका पत्ता पुल होना है। इसमें कोई विश्वास नहीं है। अभी आप देखोगे तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं वो जेपी नड्डा जी से मुलाकात कर रहे हैं, वो उनसे डमी प्रत्याशी मांग रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमको 5 प्रत्याशी ऐसे दे दिए जिससे हमारे परिवार की तो नाक बची जाए कम से कम। तो आज उनके समाजवादी पार्टी के आज जो टिकट हो रहे हैं वो दिल्ली में जाकर गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह हैं देश के, उनके इशारे पर किए जा रहे हैं और आरोप लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी से। मेरे साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी दलित और मुस्लिम समीकरण बनाकर चलती है और पिछड़े समाज का भाईचारा जब बनता है और इस देश के जो अपर कास्ट के लोग हैं जो न्याय पसंद को चाहते हैं, माननीय बहन जी की सरकार को चाहते हैं, जब वो एक साथ आ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की पैरों तलों जमीन खिसक जाती है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो अखिलेश हैं वो ही भाजपा की बी टीम है। बी टीम है, इसका रूप है भैया। देखो कल ही फोटो आया है, जेपी नड्डा जी को फोटो दे रहे हैं। हाँ, जेपी नड्डा के साथ खूब फोटो वायरल हो रहा है। शिष्टाचार से क्या मतलब? आज वो करें तो कृष्ण लीला, हम करें तो क्या है, करेक्टर ढीला। मानिया बहन जी ना तो किसी भारतीय जनता पार्टी के ना जन्मदिन में जाती हैं, ना किसी शादी समारोह में जाती हैं, और तो और उनके मानिए जो अखिलेश जी हैं उनके स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मेरी दिली इच्छा है कि दोबारा माननीय प्रधानमंत्री दोबारा देश का प्रधानमंत्री बने। तो ये क्या है? ये मेरे मुस्लिम समाज को सोचना होगा। मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, आप 7% लोगों को वोट देने का काम करते हो और हम 22% लोग हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, इस देश का तख्ता पलट हो जाएगा, इस देश के अंदर दलित मुस्लिम भाईचारा कर चलेगा। मानव काशीराम साहब ने कहा था दलित मुस्लिम करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार। एक और बात कही जा रही है योगी जी के द्वारा कि दलित समाज की बड़ी समस्या रही है सुरक्षा, कि उनको पीटा जाता है, उनकी बेटियों पर अत्याचार किया जाता है। तो योगी कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है, कानून व्यवस्था अच्छी कर दी है और अब जो बहुजन समाज है उस पर अत्याचार नहीं होते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरासर झूठ है। वो तो और इस सरकार में तो दलित को साथ अत्याचार वो बड़ा है। आप चाहे कितनी घटनाएं ऐसी हैं, आप हाथरस की घटना देख लीजिए। लोग कहते हैं कि हिंदू रिवाज में कि किसी सबको कहते रात में सूर्यास्त के बाद नहीं जला सकते, लेकिन उस सरकार ने क्या किया, रात के 2 बजे कहते सबको जलाने का काम किया, तो कहाँ चला गया हिंदू? ये दलितों को सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। जितना मान सम्मान जो माननीय बहन जी की सरकार में इस देश के SC OBC ST माइनॉरिटी के समाज को मिला था, वो मान सम्मान किसी भी पार्टी में नहीं मिला है। इन देश के लोगों ने क्या करा, जब बहुजन समाज पार्टी नहीं थी तो दलित मुस्लिम और SC ST लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को वोट लेने का काम किया, लेकिन कभी उनके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी। जब इस देश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी बनी और प्रथम बार जब सरकार बनी तो माननीय बहन जी के नेतृत्व में ही अल्पसंख्यक आयोग बना, अलग से उनको मंत्रालय बनाने का दिया, पिछड़ा समाज कल्याण विभाग बनाने का काम किया और समाज कल्याण विभाग इस देश के बहुजन समाज को बनाने का काम किया। एक बात बता रही है, चंद्रशेखर आजाद हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ आपने प्रत्याशी दे दिया, तो उस पर आपका क्या 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 जरूरत थी? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद तो लड़ाई लड़ते हैं बहुजन समाज की, तो उस पर आपका क्या कहना है? भैया आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के खिलाफ प्रत्याशी दे दिया, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ
जो बीजेपी जो षड्यंत्र है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति को प्रायोजित कर पेश कर दिया कि वो दलित हितैषी बनने का काम तो करते हैं लेकिन जहां भी लड़ाई दंगा होता है, जब से ये लोग अस्तित्व में आए हैं, जब से ये देश के दलित समाज के लोगों पर अत्याचार और बढ़ गया है और जब ये अत्याचार बढ़ जाता है उनके बीच जाते हैं, हमारे सैकड़ों युवा उनके साथ ही जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको लड़ाई द्वंद्व में जब मुकदमा लग जाता है वो तो अपने फॉर्च्यूनर या बेलोरे से चले जाते हैं लेकिन हमारे बहुजन समाज जो गरीब तत्व का व्यक्ति है उस पर मुकदमा लग जाता है और वो आज जीवन परेशान रहता है, ना उसको रोजगार मिल रहा है। ऐसे कितने सैकड़ों केस हैं जो बेचारे आज निर्दोष होते हुए भी जेल के अंदर सिर्फ उनकी वजह से जेल काट रहे हैं। लेकिन सर एक सीट तो आप दे सकते थे ना चंद्रशेखर आजाद जी को। अब एक बात बताइए, एक सीट की बात, वो पूरे बहुजन का सौदा, पूरे बहुजन समाज का सौदा समाजवादी से करने चले गए, समाजवादी अखिलेश जी को अपना भैया मानने लगे, उनके पैरों में गिरकर रोने लगे कि भैया मुझे एक सीट ही दे दो। अरे बहन जी का बहुत बड़ा दिल है, अगर बहन जी के पास जाते तो हो सकता है बहन जी आपको पहले परखती, आपको जौहरी की तरह हीरा बनाती, उसके बाद कहीं इस बहुजन समाज के मूवमेंट को आपके बारे में सोचने का काम करती। बहुजन समाज पार्टी में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर का व्यक्ति को पहले परखा जाता है, जांचा जाता है और उसको इतना पकाया जाता है मिशन मूवमेंट के लिए कि कहीं वो ऐसा ना हो विरोधियों के हाथ में बिक जाए। माननीय बहन जी की सोच आज पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में लोहा मान रही है। चंद्रशेखर आजाद जो षड्यंत्र का हिस्सा है, बहुजन समाज से षड्यंत्र है। जी हाँ, सरासर षड्यंत्र है। जब बंटवारा होगा तो क्या होगा, विरोधी सीधे सीधे विरोधियों का फायदा होगा, लेकिन बहुजन समाज का हर व्यक्ति आज इतना समझदार हो चुका है, उन्हें पता है कि अगर हम बंटने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान को ठेस लगेगी, इसलिए वो सिर्फ कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए तो चले जाते हैं लेकिन आज भी इस देश का युवा, बहुजन समाज का युवा माननीय बहन जी के बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करेगा।